Hello friends, how are you all? Hope you are all fine. Okay, today we are going to start in this lecture division algorithm. Okay, from chapter 2 polynomials, and what we have read so far is first we did zeros of polynomials in exercise 2.1, right? So what are the zeros of the polynomial? So इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी जीरोस अल्फा और बीटा को माना था और वो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल ली थी, वो हमें निकालनी आती हैं। अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने सीधा ज्योमेट्रिकल मीनिंग किया था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था कि जितनी भी आपकी एक्सिस होगा, जो भी आपका एक्स एक्सिस को जितनी बार मेरा ग्राफ इंटरसेक्ट करता है उतने सोल्यूशंस हैं, राइट। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था। सेकंड में जब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स हमने करी थी, उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की दोनों ही करी थी, तो क्वाड्रेटिक में हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस बी बाय ए है और अल्फा बीटा मेरा सी बाय ए है, ऐसे ही क्यूबिक की भी थी, राइट। तो ये मैंने रिलेशनशिप करी थी। अब थर्ड जो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ 2.3, दैट इज़ डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम सबको आता है, बस वो पॉलिनोमियल्स के केस में कैसे लगेगा इसे हमने चेक करना है, चेकिंग फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, ये हमें डिवीजन में सारी चीज़ें आती हैं। तो पॉलिनोमियल्स के केस में जस्ट हमने अप्लाई करना है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्या है, इसमें देखो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिदम अगर मैं आपको एक पिछला उसमें रिकॉल करा दूं छोटा सा करके, तो अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 × 3 = 6, तो ये मेरा क्वोशेंट होता है, ये मेरा ये मेरा क्या होता है डिवाइजर होता है, 7 मेरा डिविडेंड होता है, राइट, और 3 मेरा क्वोशेंट होता है और 1 मेरा रिमाइंडर होता है, फाइन। तो अब इसको अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिखते कैसे हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, तो 7 = 2 × 3 + 1, यही लिखते हैं हम। 7 मेरा डिविडेंड है तो यहाँ मेरा देखो 7 आ गया, राइट। डिवाइजर मेरा कितना है, 2 है, तो डिवाइजर मेरा 2 आ गया, इनटू क्वोशेंट मेरा 3 आ गया और रिमाइंडर मेरा +1 आ गया। तो ये मेरा डिविजन एल्गोरिथम है, ये हम सबको आता है। अब इसी को जब हमने पॉलिनोमियल्स में लगाना है तो पॉलिनोमियल्स में डिविडेंड की जगह क्या रखना आपने, पी एक्स। तो जो मेन मेरा पॉलिनोमियल है वो मेरा अंदर है जो डिविडेंड है, राइट। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इसको डिवाइजर जो है डिवाइड कर रहा है, दैट इज जी एक्स। तो जी एक्स, अब इसके बाद क्वोशेंट क्या है मेरा, क्वोशेंट जो है मेरा वो क्यू एक्स निकल के आएगा और रिमाइंडर मेरा आर एक्स बन जाएगा। तो डिविजन करके कुछ आ जाएगा और लास्ट में मेरा रिमाइंडर जो है दैट इज आर एक्स। ये x क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये x में ही आने वाला है ना, सारा x वेरिएबल लिया हुआ है इसने यहाँ पे, सब जैसे एग्जांपल 7 में देख रहे हैं x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल आपका, इसलिए पी एक्स आर एक्स रहेगा। तो एल्गोरिदम मेरा क्या बनने वाला है, कि एल्गोरिदम मेरा बनने वाला है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्यू एक्स और आर एक्स तो ईजी है याद रखने, और पी एक्स भी ईजी है क्योंकि क्यू से क्वेश्चन आ रहा, आर से रिमाइंडर आ रहा, पी तो हमें पता ही है पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड करना, बस जो डिवाइड करने वाला है वो एक नई टर्म आई है दैट इज जी एक्स, बस फिक्स कर लूँगा। तो इसको कभी आपको इस फॉर्म में भी आ जाए कि पी एक्स अपॉन जी एक्स, तो भी हमें समझ आना चाहिए कि पी एक्स को जी एक्स डिवाइड करा, वैसे तो कुछ भी हो सकता, कोई भी नाम हो सकता, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपको इससे पता चल जाएगा डिवाइजर और आपका डिविडेंड कौन सा है। तो इसको फर्दर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उनमें से बातों को ध्यान रखते रहेंगे कि क्या क्या होने वाली है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको करता हूँ, जैसे हम रिमाइंडर, चलो जब आएगा तब करते हैं, क्वेश्चन में बात करेंगे रिमाइंडर की। इसमें जैसे नॉर्मली हमें उसमें इस केस में हम बात करूं तो रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती थी, आपने यूक्लिड में भी करी थी कि जो रिमाइंडर है वो मेरा डिवाइजर से हमेशा छोटा रहता है ना, नहीं तो अगले नंबर से चला जाता है ना ये। तो जब भी मेरा डिवाइजर रिमाइंडर छोटा रहता है, इस केस में आर एक्स मेरा जी एक्स से छोटा कैसे रहेगा, यहाँ पर भी यही चीज़ लगेगी। तो इसमें मेरा हम कहते हैं कि डिग्री छोटी रहती है, क्या चीज़ छोटी रहती है, डिग्री। डिग्री का मतलब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रिमाइंडर एक्स ही आ सकता है, या जीरो वाली डिग्री आ सकती है, एक्स की पावर जीरो यानी कि कांस्टेंट आ सकता है कोई, या एक्स की डिग्री वन
ये आ सकता है, x की डिग्री 2 नहीं आएगा, नहीं तो अगले से चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा एक वो बन जाएगा कि डिग्री जो मेरी आर एक्स की है दैट विल ऑलवेज बी लेसर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ये आप रिमाइंडर के केस में याद रखेंगे बात का, बस इतनी ही चीज़ है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये मुझे कह रहा है कि डिवाइड करना है इसको, तो ये सारा तो मेरा क्या हो गया, ये सारा मेरा पी एक्स हो गया और ये सारा मेरा जी एक्स हो गया, इससे डिवाइड करना है ना मुझे। अब इस पर सबसे पहले हम जो बात ध्यान रखेंगे वो रखेंगे कि सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए, डिग्री जो है बिल्कुल ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 एक्स की और फिर 0 है, इधर उल्टी है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो ये मेरा रीअरेंज करके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन गया, राइट। अब मैं इसको सिंपली डिवाइड करने जा रहा हूँ और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, पहले तो पी एक्स लिख लेते हैं, उसके हिसाब से इसमें जगह बना लेंगे। तो ये अगर नहीं होता, अभी तो ऑर्डर में नहीं होता, तो हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। नाइन्थ क्लास में भी आपने ये कर रखी है, लेकिन यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने नोट कर लिया, साइंस बड़े आराम से कॉपी करना पूरी अभी के साथ। अब यहाँ पे हम पूरे जो हमने ऑर्डर के साथ लिखी है रीअरेंज करके उसको लिखेंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस 3x क्यूब को और इस एक्स स्क्वायर को देखते हैं कि कौन सा आ रहा है। तो जिसको तो दिख रहा है कि x आ रहा है तो फटाफट कर सकता है क्योंकि डिग्री बनानी है, अदरवाइज यहाँ पे रफ में क्या करते हैं, रफ में हम पैरेलली हमेशा डिवाइड कर सकते हैं 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 3x बच जाएगा, है ना, डिग्री सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 3 - 2 1, या जिसको दिख रहा है कि 3x ऊपर है 2x नीचे, तो मैं 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 3x आ जाएगा, दैट इज ओके। तो इसके बाद 3x आ गया मेरा, अब 3x से मुझे यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ gx, साइड में भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे वहाँ लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 3x। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, अब मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 3x से, सिर्फ एक को नहीं करना ना, पूरे को करना मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा 3x से, रफ पार्ट को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3x से। तो जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो क्या आने वाला है, 3x क्यूब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना, इसको पहले इससे किया, फिर इससे करूँगा तो 6x स्क्वायर, और फिर इससे किया तो प्लस 3x, राइट। तो यही मुझे यहाँ पे लिखना है, यही मैंने यहाँ पे लिख देना है। तो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है जी। तो अगली बार हम बिना रफ में करें डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ से करेंगे 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब आ गया, फिर 3x को 2x के साथ करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 3x। अच्छा, इसमें क्या खास ख्याल क्या रखना है, खास ख्याल ये रखना है कि सेम डिग्री वाले, जैसे x क्यूब है ये सेम ऊपर नीचे लिखने, अगर कोई मिस आउट होगा तो वो सीधा डायरेक्ट अपनी डिग्री के नीचे जाएगा, ठीक है। आपने डिग्रीज हमेशा कॉमन रखनी है, हमेशा कॉमन। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे साइंस चेंज हो जाते हैं, तो हमें क्या है, साइंस को चेंज करना है। जैसे प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। मैं हमेशा एक लाइन छोड़ के ऐसे ही लिखता हूँ, इससे मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होती। तो अब क्या होगा, अब ये तो हमेशा ही कटेगा, 3x माइनस 3x क्यूब 0 आ जाएगा। अगर ये आपका नहीं कट रहा तो इसका मतलब आपने यहाँ पे गलत क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमने इसी को तो बेस बनाया है, तो ये हमेशा सेम आएगा। तो आगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 आ गया, तो माइनस 5x स्क्वायर। अब इधर क्या आएगा, प्लस 2 है माइनस 3 है, तो ये भी माइनस एक्स और ये प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके आगे हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ये 5 हमने यहाँ से कॉपी कर लिया ना, ठीक है जी। आप हमेशा सारे जितना भी रिमाइंडर बचेगा सारे ही कर लेना हमेशा। तो उसके बाद रिमाइंडर नहीं, सॉरी, जितना भी यहाँ पे बचा होगा ना, प्लस जितने भी एक एक नहीं कॉपी करेंगे इसमें, सारा पॉलिनॉमियल हर बार, ताकि नीचे कंप्लीट पॉलिनॉमियल बन जाए। तो हर बार जितनी भी बची हुई होंगी डिवीजन वाली सारी इकट्ठे कॉपी करना, ताकि एक फ्रेश पॉलिनॉमियल नीचे बन जाए जो कंप्लीट हो। अब मैं फिर से एक्स स्क्वायर को चेक करूंगा और माइनस 5x स्क्वायर को, तो सिर्फ माइनस 5 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जिसको नहीं दिख रहा वो चुपचाप यहाँ माइनस 5x स्क्वायर को 5 से, वो सॉरी x स्क्वायर से डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा।
तो माइनस फाइव से मैं साइंस के ध्यान रखना माइनस से कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर को, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं माइनस फाइव को फिर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस टू एक्स से, तो माइनस टेन एक्स आ गया, ठीक है जी। अब मैं माइनस फाइव को प्लस वन से करूंगा तो माइनस फाइव आ गया। अब साइंस चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस। अब इससे फिर मेरा आ गया साइन, नीचे वाला लूंगा मैं, माइनस फाइव प्लस फाइव पहले वाला कट गया जीरो आ गया, माइनस वन प्लस टेन तो ये कितना आ गया, ये प्लस नाइन एक्स आ गया, और प्लस फाइव प्लस फाइव ये मेरा प्लस टेन आ गया। तो अब आगे कुछ है नहीं, क्या ये फर्दर जाता है, देखो आप रिमाइंडर की डिग्री क्या आ गई, यहाँ पे एक्स की डिग्री वन है और यहाँ पे एक्स की डिग्री टू है, तो डिग्री बड़ी होगी डिवाइजर की, ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा ओके है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री डिवाइड नहीं हो सकती, तो मुझे यहाँ पे डिवीजन को रोकना पड़ेगा। तो ये मेरी डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ख़त्म होने के बाद अब आप क्या कहेंगे कि मेरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरा ये, तो देखो दिस वन थ्री एक्स माइनस फाइव मेरा क्या आ गया, ये मेरा कोशेंट आ गया, राइट, ये मेरा जो डिवाइड कर रहा था दैट इज माय जी एक्स, जो अंदर डिवाइड हो रहा था दैट इज माय पी एक्स, और ये जो बच गया दैट इज माय आर एक्स। क्लियर होगी बात आपको? तो अब इसमें मेरा क्या क्या आया, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि उसी स्क्रीन को आगे ले जाएंगे। अब मेरा आप लिखेंगे कि मेरा जो क्यू एक्स है वो, ये सब आप अलग अलग करके लिख सकते हैं कि क्यू एक्स ये आ गया, आर एक्स ये आ गया। अब आपको एक चीज़ हम करते हैं इसी क्वेश्चन में, मेरा अपने आप कंफर्म हो जाएगा, आप वेरिफिकेशन करके भी देख सकते हैं। क्या करके देख सकते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन जब हम करते हैं डिविजन एल्गोरिथम की, तो हमें क्या पता है कि जो मेरा डिविडेंड है जो मेरा, वो किसके बराबर है, वो डिवाइज़र के बराबर है, ठीक है जी, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, राइट, प्लस रिमाइंडर, यही किया था। यानी कि हमने कहा था कि जो पी एक्स है मेरा किसके बराबर निकल के आएगा, भाई जी एक्स के बराबर इंटू क्यू एक्स करेंगे प्लस आर एक्स कर देंगे, राइट, तो कर देते हैं भाई। अब जी एक्स क्या है मेरा, जी एक्स मेरा ये देखिए, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। क्यू एक्स क्या है जी मेरा, क्यू एक्स मेरा इधर से ऊपर से थ्री एक्स माइनस फाइव आ रहा है, और आर एक्स क्या है, नाइन एक्स प्लस टेन। चलो अब अच्छा ये क्या आएगा, आना क्या चाहिए, मैं ऊपर से यहाँ पे करके लिख रहा हूँ, मेरा पी एक्स क्या आना चाहिए, हम ऊपर वाले को फिर ऊपर कर देंगे तो छिप जाएगा। तो पी एक्स मेरा क्या आना चाहिए, पी एक्स शुड बी थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये आना चाहिए। देखते हैं मेरी राइट हैंड साइड आती है कि नहीं आती है। चलिए अब इसमें जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो मेरा क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लंबा होने वाला मुझे लग रहा। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन से मैं थ्री एक्स को करूँगा, इसके बाद मेरा फिर से माइनस फाइव से होगा, तो आप इसे कर सकते हैं माइनस फाइव से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, माइनस फाइव से फिर से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को, ठीक है। पहले आप इसे काट के शुरू में कर लो, अगर आपने करना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो थ्री एक्स इधर लिख लो, ठीक है जी। तो थ्री एक्स से कर दिया, फिर माइनस फाइव से कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना ये वाली चीज़। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद प्लस नाइन एक्स प्लस टेन एज इट इज, तो अब खोल लेते हैं इसे, थ्री एक्स से करते हैं तो थ्री एक्स से जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को करूँगा तो थ्री एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस अब थ्री एक्स को टू एक्स से करूँगा तो सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस थ्री एक्स को वन से करूँगा तो थ्री एक्स आ गया, माइनस, अब माइनस का सारे साइन तीनों चेंज होंगे, तो माइनस साइन मैं एक बार बाद में कर लूँगा ताकि मैं कन्फ्यूजन ना हो। तो फाइव को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो फाइव एक्स स्क्वायर, प्लस फाइव को टू एक्स के साथ करेंगे तो टेन एक्स, वन के साथ करूँगा प्लस फाइव तो नाइन एक्स प्लस टेन। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स
अब माइनस के साइन में चेंज कर रहा हूँ, सारे साइन ब्रैकेट खोलने पर चेंज हो जाएंगे अंदर, क्योंकि ये माइनस है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, प्लस 9x प्लस 10, राइट। सो एक्स क्यूब की तो एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर की ये दो टर्म्स हैं और एक्स की ये दो टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स हैं इनफैक्ट, और कॉन्स्टेंट की ये टर्म, देखते हैं क्या आता है। तो 3x क्यूब की तो कोई टर्म नहीं है, अब प्लस 6 और माइनस 5 कितना आ गया जी, प्लस 1, राइट। तो प्लस 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर 3x की ये है और माइनस 10 की ये है, तो माइनस कितना आया, प्लस 10 और एक 9 भी है यहाँ पे, राइट। तो तीनों को करना पड़ेगा, तो 9 और प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 10 प्लस 2। अब इसके बाद क्या बचा, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, सब इसका कांस्टेंट बचे, तो माइनस 5 प्लस 10 इज प्लस 5। तो क्या ये मेरा आ गया, हम कंपेयर कर सकते हैं, मेरा पी एक्स, यस दिस इज माई पी एक्स, तो हमारा वेरीफाई करके बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसमें आपने क्या सीख लिया कि चाहे आपको वेरिफिकेशन करनी आ जाए, चाहे आपको निकालना आ जाए, तो हमने क्या किया, सिंपली पूरे प्रोसेस को समझा कि पी एक्स अंदर है, जी एक्स बाहर है, डिवीजन किया, डिवीजन के रूल हमने देख लिए, सब्ट्रैक्ट करना, साइन मत भूलना, साइन चेंज करना नीचे वाले के, और रिमाइंडर मेरा क्या खास रहेगा कि उसकी डिग्री जो है हमेशा कम रहेगी जी एक्स की डिग्री से, तभी रिमाइंडर माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने पी एक्स, टी एक्स, क्यू एक्स सब लिख लिए, और हमने वेरिफिकेशन अगर करके देखनी है तो हमने ये करके देखा कि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, राइट। तो वेरिफिकेशन आपने हर बार नहीं करनी है, जब आपसे मांगी जाए तभी, ये आपको मैंने पूरी कंप्लीट टाइप सिखा दी, आगे मैं वेरिफिकेशन नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन। अब इसमें आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें वेरिफिकेशन भी आ गई है ये पार्ट, ठीक है जी। तो वेरिफिकेशन आपको करनी आ गई, मैंने पिछले मैंने ये भी लिखा था तो भी कर दी थी। अब इसमें क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पी एक्स है, ये क्या है मेरा जी एक्स आगे जिससे डिवाइड करेंगे। अब इसमें हमने एक चीज़ तो फटाफट पकड़ ली, देखो इसमें उसने ऑर्डर बिल्कुल ही मिक्स कर दिया, तो आप इसको सही कर लो पहले ही। तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, राइट, ये मेरा जी एक्स बनेगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा, तो ये आगे लिख लेते हैं। अब इसको जैसे मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, तो जी एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। इस साइड मेरा क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब सबसे पहले जब मैं इन दोनों को चेक करूँगा, इसको और इसको, तो क्या दिख रहा है मुझे कि मुझे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और उसकी वेरीफाई मैं आपको साइड में करा देता हूँ कि जैसे ही मैं 3x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करूँगा डिवाइड, तो माइनस 3 आ जाएगा, तो मैं माइनस 3 से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब पूरे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा देखो, अब मैंने गलती कर दी, क्या गलती करी बताओ, मैंने गलती करी कि मैंने 3x स्क्वायर और एक्स क्यूब को चेंज नहीं किया, मैंने जी एक्स पे तो ध्यान दे लिया, मैंने पी एक्स पे ध्यान ही नहीं दिया, तो ये हो गया जी मेरा गलत। तो आपको अपने एफर्ट कहीं पे भी जहाँ पे गलत है, जैसे ये स्टेप, इसको मैं एडिट नहीं करूँगा पार्ट को, ताकि हम इन गलतियों से सीख जाएं। तो इससे क्या हो जाएगा, अब मैं फटाफट पकड़ी गई, अगर ये गलती नहीं पकड़ी जाएगी तो ये टोटल मेरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने माइनस 3 को देखो अगले से करा, तो माइनस 3x आ रहा था, तो वो इधर जा रहा था, तो मैंने देखा ये क्या है, फिर मेरा एकदम ध्यान गया कि ये तो 3 है। अब इसको पी एक्स को भी पहले हम रीअरेंज करेंगे, तो पी एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है जी। तो बड़े ही आराम से, तो अब ये मेरा स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं इसे, ये मेरा गलत है, लेकिन इसने हमें सिखा दिया कि आपको गलती नहीं करनी है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, अब एक काम करते हैं कि कलर को चेंज कर लेते हैं, ताकि हमारा स्ट्राइक ऑफ से डिफरेंट रहे। अब पी एक्स को अंदर लिख देते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है जी। अब बॉर्डर ठीक है, देखिए ठीक लग रहा है, तो इसको किसे करें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इन्हीं चीज़ों को हमने ख्याल रखना।
अब किससे जाएगा, अब सिंपली x से जा रहा है, ठीक है जी। राइट में मैं आपको माइनस एक्स क्यूब को जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस के, तो ये सिंपल x आ जाएगा। तो x से दिख रहा है, वैसे आपने डायरेक्ट देखने की कोशिश करनी है, जब तक ये चीज़ ना दिखनी शुरू हो जाए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। x से गया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया पहला, जब इससे किया, अब इससे करूँगा जब मैं x मल्टीप्लाई, तो प्लस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के नीचे ही जाएगा, फिर माइनस एक्स, एक्स के नीचे ही लिखूंगा मैं, ठीक है जी। अब साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज बहुत ही ध्यान से, हर बारी, कोई जल्दी नहीं है हमें। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर लेते हैं क्योंकि अब चीज़ें हमारे पास हैं। ओके, अब क्या होगा, फटाफट ये करिए, नहीं फटाफट नहीं करेंगे उससे नुकसान हो जाता हमारा। तो ये कैंसिल आउट हो गया पहला हमारा, इसके बाद थ्री माइनस वन, तो ये आ गया टू एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस टू एक्स प्लस फाइव। आप देखो किससे जा रही है, इसको और इसको फिर से फोकस करो, तो किससे जा रहा है, टू से, तो पहले आपने माइनस टू से, तो आपने पहले माइनस टू लिख लेंगे, तो आप देखो ना मल्टीप्लाई करके प्लस टू एक्स स्क्वायर ना चल जाएगा। और अगर अब भी नहीं दिख रहा तो चुपचाप जाओ राइट में एक्स स्क्वायर, और ये आपने ये करना ज़रूर है पहले, ताकि आपकी वो डेवलप हो जाए, जैसे आपके थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाएगा तो आप इसे बिना देखे निकाल पाएंगे, राइट। तो माइनस टू, क्लियर है जी। अब माइनस टू को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये तो प्लस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस टू एक्स आ जाएगा, राइट। और उसके बाद माइनस टू और माइनस वन को करेंगे तो प्लस टू आ जाएगा। साइंस फिर से चेंज कर देते हैं, अब क्या आने वाला, माइनस टू प्लस टू और माइनस टू कट गए, माइनस टू प्लस टू ये भी कट गए, फाइव माइनस टू थ्री, ठीक है जी। तो अब क्या हो गया, अब मेरा ये तो आर एक्स आ गया, हालांकि इसमें एक्स नहीं है, एक्स की पावर जीरो है, तो लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, ये मेरा आर एक्स रिमाइंडर आ गया, ये मेरा क्यू एक्स आ गया, ये मेरा जी एक्स है, और ये मेरा पी एक्स है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो हम राइट हैंड साइड से ही वेरीफाई करेंगे, राइट। तो राइट हैंड साइड से जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा तो मेरा पी एक्स किसके बराबर आना चाहिए, मेरा पी एक्स शुड बी इक्वल टू, अब जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो अब मेरा जी एक्स क्या है, जी एक्स मेरा राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स क्या है मेरा एक्स माइनस टू, और आर एक्स क्या है मेरा थ्री। तो इसको फटाफट यहीं सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, पहले मैं एक्स से कर रहा हूँ, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स से मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस टू से कर रहा हूँ, तो माइनस टू को जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर से करूँगा तो प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू को एक्स से करूँगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस टू को माइनस वन से करूँगा तो प्लस टू। देखिए हमारे पास ये स्किल होना चाहिए कि हम ऐसे ही कर सकें, ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो जब पिछले क्वेश्चन में मेथड किया था ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके कीजिएगा, लेकिन आपको ये स्किल अचीव करना। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब को देखो कोई और नहीं है तो इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं फटाफट अंडरलाइन कर लेता हूँ प्लस और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस एक्स और माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, मैं देखो थोड़ा सा अलग करता हूँ ताकि मेरे ब्रेन को दिख रहा है कि क्या चल रहा है, कन्फ्यूज नहीं हो रहा वो, तो ये मेरा ताकि मैं साइंस चेक भी करना हूँ मुझे वापस तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये आ गया मेरा टू प्लस थ्री फाइव। तो अब देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जी एक्स मेरा, ये बीच वाला ही देख लो आप, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो मेरा ये जी एक्स क्यू पी एक्स आ गया, ये मेरा किसके बराबर है पी एक्स के बराबर है। कहाँ से चेक किया मैंने, ये देखो इसके साथ टैली करो पी एक्स के साथ, राइट तो बिल्कुल ठीक आ गया, तो वेरिफिकेशन भी मेरी डन हो गई और मेरे को दोनों चीज़ आ गई, क्लियर है जी। तो गलतियाँ इसमें हमने खास ध्यान क्या रखना है कि इसमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना आपने, ये जो ऑर्डर देखो मैंने भी गलती करी थी, इस ऑर्डर को आपने दोनों में खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव करते हैं, एग्जाम्पल नाइन मेरी क्या कहती है, एग्जाम्पल नाइन मेरी कहती है
कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x2 प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरोज आर है। ये मेरा स्टार्ट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में आता है, स्टैंडर्ड बेसिक हर पेपर में आता है और हर बार आता है, तो बेसिकली ये सुपर स्टार क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है जी, और 4 मार्क्स का आएगा। अब ये क्या बोलता है, 4 मार्कर भी आप इसे लिख लीजिए। तो ये वाली टाइप आपको क्वेश्चंस की बिल्कुल आनी चाहिए, टाइप आती है ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है और इसके जैसा कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन की टाइप पकड़ो। और वो क्या बोलती है कि फाइंड ऑल द जीरोज, मुझे सारी जीरोज ढूंढनी है इस पॉलिनोमियल की, इफ यू नो दैट टू ऑफ द जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। तो इसमें आप देखो कितनी जीरोज होंगी मैक्सिमम, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम 4 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4, तो मैक्सिमम जीरोज कितने आने वाली है 4 आने वाली है, 2 आपके पास है तो 2 मुझे और निकालनी है। समझ आ गया क्वेश्चन आपको? तो अब इसको कैसे हम निकालेंगे, आपको पता है कि ये मेरा रूट टू और माइनस रूट टू है, तो इसको कई तरीके से करा जा सकता है। जैसे हम, अच्छा ये जीरोज जो होती हैं वो एक्स की वैल्यू होती हैं, ये भी हमें पता है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे हम कहेंगे कि एक्स, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, इधर हम कहेंगे कि x इज इक्वल, चलो कोई बात नहीं इधर से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू रूट टू, एक जीरो मेरी आ गई, राइट। तो अब इसमें क्या होगा कि जब मैं माइनस इसको ट्रांसपोज करूँगा तो x माइनस रूट टू आ जाएगा, स्प्लिटिंग का उल्टा ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, इस साइड कुछ भी नहीं बचेगा, इज इक्वल टू जीरो आ जाता है क्योंकि उसी से जीरो बनता है, याद आ गया आपको। तो अब क्या होगा, दिस मीन्स दैट x माइनस, क्या मतलब बना इसका कि x माइनस रूट टू इज अ फैक्टर, राइट, बन गई बात। ऐसे ही मैं करूंगा कि x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, अब ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस रूट टू आ जाएगा, यानी कि x प्लस रूट टू इज ऑल्सो ए फैक्टर। अब दो फैक्टर हैं, आपस में मल्टीप्लाई होकर भी फैक्टर ही बनाएंगे, ठीक है जी। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इज अ फैक्टर। अब ये फैक्टर आ गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर 2 ही हो जाता है, ठीक है। ये अब सबको आदत होनी चाहिए इस चीज़ को, ये मैं सिर्फ एक स्टेप अभी कर रहा हूँ, तो इट इज़ अ फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू जो है वो फैक्टर आ गया, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये मेरे पास फैक्टर आ गया, अब जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो इसको अगर मैं जी एक्स बना दूंगा, इसको अगर मैं क्या बनाने वाला हूँ, इसको मैं इसको जी एक्स बना दूंगा, डिवाइजर बना दूंगा, और इस किसका फैक्टर है, इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना, तो अब इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टर कब करता है, जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जब रिमाइंडर मेरा जीरो आता है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो लेट अस डू इट। अच्छा चलो, अब आपको ये समझ आ गया, अब मैं इसका एक आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ पे राइट में आपको मैं इसका और तरीका बताता हूँ। तो यहाँ हम एक लाइन लगा देते हैं पार्टीशन की, इसका हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि अल्फा मेरा क्या है, अल्फा मेरा एक जीरो ये है और बीटा मेरा माइनस रूट टू है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या है, आप जब मुझे वो बनाना होता है कि इन दो जीरोस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किससे निकल के आई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही करते हैं ना, तो दिस इज अ फैक्टर, यही पॉलिनोमियल बनेगा ना इन दोनों से, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो ये मेरा, क्योंकि ये दोनों जीरोज हैं, देन इट विल बी अ फैक्टर। तो अब क्या होगा, अब सम क्या होता है, यहाँ तो सम नहीं दिया, तो सम होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम, और प्रोडक्ट होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा, तो बस वैल्यूज डालनी है मुझे, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे रूट टू प्लस माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू इंटू माइनस रूट टू, अब ये तो कट के जीरो हो गया, तो ये तो हट गई टर्म जीरो वाली, और रूट टू इंटू माइनस रूट टू इज माइनस टू, ठीक है जी, माइनस टू बन जाएगा, तो माइनस टू, आप चेक करो ये वाला बिल्कुल सेम आ गया, इज अ फैक्टर। तो आप कोई भी टेक्निक कर सकते हैं, मेरी फेवरेट यही है,
मैं इसको ही फॉलो करता हूँ क्योंकि इससे टफ से टफ क्वेश्चन हो जाता है। आप ऑप्शनल में जाके देखेंगे, एक क्वेश्चन आएगा तो वो भी हो जाता है, बाकी आपका आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, तो दोनों केसेस में मेरा फैक्टर निकाल लेना। हमने क्या करना, हमने सबसे पहले जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है जो मेरा फैक्टर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, एक बार पॉलिनोमियल कॉपी कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि वो हमें उसकी ज़रूरत आएगी क्योंकि मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो पॉलिनोमियल को जो मैं डिवाइड करने वाला हूँ, मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, पी एक्स को यहाँ कॉपी करते हैं, टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। तो इसे स्क्रोल डाउन करते हैं, अब हम इसे डिवाइड करेंगे जी एक्स है जो ऊपर दिख रहा है मुझे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो अब हम इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर में देखो आप इसको, इसको देखो आप, एक तो टू कम लग रहा है और एक एक्स स्क्वायर कम लग रहा है, तो टू एक्स स्क्वायर सीधा आ जाएगा। तो जैसे ही मैं टू एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला तो मेरा टू एक्स फोर आ गया, देन टू एक्स स्क्वायर को मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस फोर एक्स। अब ये देखिए क्यूब के नीचे नहीं जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर आया ना मेरा, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर मेरा एक्स स्क्वायर के नीचे जाएगा, क्यूब के नीचे नहीं जाएगा। साइंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये तो हमेशा कटेगा। अब माइनस थ्री एक्स क्यूब एज इट इज नीचे आ रहा है, और माइनस थ्री प्लस फोर तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सिक्स एक्स माइनस टू कॉपी हो गया। अगला इसमें इसको देखने से पता चल रहा है, इसको इससे डिवाइड करके एक माइनस थ्री की कमी है और एक एक्स की कमी है, तो माइनस थ्री एक्स मेरा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस थ्री एक्स क्यूब बन रहा है, आप मल्टीप्लाई करके देखो इसको और इसको, तो माइनस थ्री एक्स और एक्स क्यूब को क्या, तो माइनस थ्री एक्स क्यूब आ गया। अगला क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स को माइनस टू से करूंगा प्लस सिक्स एक्स, तो वो भी कहाँ जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा एक्स के नीचे। साइंस दोनों के चेंज हो जाएंगे, कैंसल आउट, कैंसल आउट प्लस सिक्स माइनस एक्स। आँख बंद करके कैंसिल आउट नहीं करना है, देखना है, क्योंकि देख के करोगे तभी ठीक होगा, आँख बंद करके करोगे तो गलती हो जाएगी और पकड़ में भी नहीं आएगी। माइनस टू बच गया, तो अब तो सेम ही बच गया, तो अब ये प्लस वन से कर देता हूँ इसे, तो ये सेम आ जाएगा। साइंस चेंज बिल्कुल लैंटक, ध्यान से देख के रिमाइंडर जीरो। अब रिमाइंडर जीरो आपकी कंडीशन है, क्यों कंडीशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू मेरा फैक्टर है, फैक्टर का मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा यानी रिमाइंडर आएगा, ये कंडीशन सबसे ज़रूरी होती है फैक्टर की हमेशा, ठीक है जी। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं हो सकता। तो अब ये आ गया, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब देखो अब डिवीजन एल्गोरिदम में है, मैं इसको बड़े प्यार से लिख सकता हूँ कि जैसे ही मेरा ये जो जी एक्स है इसके साथ जैसे ही मेरा क्यू एक्स मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्ट मेरा ये वाला पी एक्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा ज़ीरो है। तो अगर मैं इसमें एल्गोरिदम लगा देता हूँ, एल्गोरिदम लगाता हूँ मैं, तो क्या बनेगा, जी एक्स मेरा ये आ जाएगा इंटू क्यू एक्स मेरा ये आ जाएगा प्लस ज़ीरो, रिमाइंडर क्या है, तो प्लस ज़ीरो की तो कोई मतलब है नहीं। और इस साइड मैं पी एक्स को पूरा लिख सकता हूँ, या राइट हैंड साइड में जगह है मैं वहाँ लिख देता हूँ, टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया, ये मेरा पूरा डिविजन एल्गोरिदम मैंने लिख दिया। अब ये तो मेरे को गिवन ज़ीरो से निकल गया है ना, ये मेरा प्लस रूट टू और माइनस रूट टू वाली जीरो से ही निकल के आया है, तो मतलब ये गिवन जीरो से निकल के आया है, राइट। और ये वाला जो चीज़ है, ये वाली चीज़ मेरी, इसको अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो मेरी बाकी दो जीरोस निकल आएंगी ना, बात समझ आ रही है आपको। जैसे मैं इन दोनों की जीरोस निकालूंगा तो मेरी जो रिमेनिंग टू जीरोज़ है, क्योंकि यही पोर्शन है रिमेनिंग, री में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है मेरा प्रोग्राम, रिमेनिंग जीरो जो है मेरी इससे निकल आएंगी, तो इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसे फैक्टराइज करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो डालते हैं। अब टू और टू, ठीक है जी, टू और वन बनेगी, तो माइनस टू और माइनस एक्स में मैं इसे स्प्लिट कर पा रहा हूँ, माइनस टू और माइनस वन, ठीक है जी। माइनस टू इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ टू एक्स को,
x इधर से आ जाएगा, माइनस वन इधर से आ जाएगा। इधर मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस वन मार कॉमन ले रहा हूँ, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब इधर से x माइनस वन कॉमन आ रहा है तो 2x इधर बच गया और इधर x माइनस वन निकाल के माइनस वन आ गया, राइट। अब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर तो x माइनस वन जीरो हुआ, x मेरा वन आ गया, और अगर 2x माइनस वन जीरो हुआ तो x मेरा हाफ आ गया, है ना, वन इधर चला गया, टू से डिवाइड हो गया। अब दो जीरोज मेरी इधर से आ गई। इधर से मेरी जीरोज कौन सी आई थी? इधर से मेरी जीरोज रूट टू और माइनस रूट टू थी, राइट। तो मेरी चार जीरोस कौन सी होगी? हेंस जीरोस आर प्लस रूट टू, गिवन वाली मैं पहले लिख देता हूं, और जो दो मैंने फाइंड आउट करी है वन और हाफ, तो ये मेरी चारों जीरोस होगी और ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली इसको अगर एक बार रीकैप करें क्वेश्चन को, तो क्या चीज है इसमें, देखिए और ऊपर ये आ गया। क्वेश्चन था कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट टू जीरोज आर दिस। तो दो जीरोज दी हुई थी, दो और निकालनी थी। तो पहले मैंने दो जीरोज से, चाहे आप ये वाला मेथड लगाएं चाहे आप ये वाला मेथड लगाएं, तो मैंने फैक्टर बना लिया, ठीक है। तो जैसे ही मेरा फैक्टर आ गया, मेरे फैक्टर के बाद मैंने उस फैक्टर को गिवन जीरोस के फैक्टर से पी एक्स से डिवाइड कर दिया, ताकि मेरा रिमेनिंग पॉलिनोमियल आ जाए। रिमेनिंग जब मेरा क्यू एक्स आ गया, क्यू एक्स को मैंने फर्दर स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिटिंग करने से मेरी रिमेनिंग जीरोस आ गई, राइट। और रिमाइंडर मेरा जीरो आना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ रिमाइंडर जीरो था। तो ये सिंपली इससे जो दो जीरोज आई, तो मेरी गिवन जीरोज ये रही पहले दो वाली, और बाकी की दो दूसरे वाली से निकल गई। इतना सिंपल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, पक्का आएंगे ये। तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज 2.3। अब इसमें मेरे करने लायक बहुत ही कम है, सारा आपको ही करना है इसमें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। तो पी एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है, एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्यू एक्स फाइंड आउट करना है कोशेंट, और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आर एक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऑर्डर ध्यान रखो और करते चले जाओ। देखो पहले में तो ऑर्डर भी नहीं देखना, ठीक लिखा हुआ है, इधर भी ठीक लिखा, तो सिंपल हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में आप एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं दिया हुआ, देखो आप पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद ही ये इसको भी प्ले करके देखो, पहले खुद करो। तो जैसे इसमें ऑर्डर में क्या है, क्यूब मिसिंग है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह एक्स फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब डाल सकता हूँ, उससे आपका ऑर्डर जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था तो ठीक आ जाएगा। या आप एक्स क्यूब वाली टर्म्स को राइट में लिखते चले जाओ और वापस से ला दो यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसके बाद जी एक्स आपका, इसको ऑर्डर को ठीक करोगे, ये ऑर्डर ठीक करके क्या आएगा, ये ऑर्डर ठीक करके इधर क्या आने वाला है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। इधर आपको कुछ ऑर्डर जीरो वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ इधर ही जीरो वगैरह की जरूरत होती है, तो ये भी आपका हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर आप ऐसे ही कर सकते हैं, देखो एक्स क्यूब और वो बहुत कुछ मिसिंग है, तो आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, एक्स फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। आप डिवाइड कीजिएगा और इसको चेंज करके क्या लिखेंगे आप, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू, इससे आप लॉन्ग डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मुझे प्रैक्टिस करके दिखाइए। अब ऐसे ही सेकंड में बढ़ते हैं आगे। सेकंड कहता है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल ये हो गया, इट इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या आ गया, जी एक्स, और ये मेरा क्या आ गया, पी एक्स। तो पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर कब होता है, अभी हमने पीछे सीखा था, जब मेरा रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है ना, बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। लिख भी रखा उसने, अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हमें पता होना चाहिए था कि सेकेंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना, हमने
एग्जैक्ट फैक्टर कब चेक होता है, जब रिमाइंडर जीरो होता है। तो मैं एफ पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करता हूँ और मेरा जो रिमाइंडर निकल के आना चाहिए वो हर हालत में जीरो आना चाहिए। जो जीरो नहीं आएगा वो रिमाइंड वो क्या कहते हैं एग्जैक्ट फैक्टर नहीं होगा, जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वो फैक्टर होगा। तो सिंपली कीजिए लॉन्ग डिवाइड। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में जी एक्स ये रहा और पी एक्स ये रहा, जस्ट सिंपली लॉन्ग डिवाइड कीजिए, ठीक है जी। थर्ड वाले में ये रहा जी एक्स, ये रहा पी एक्स। डिग्री से हमने नहीं घबराना है, कोई डिग्री हमें कोई नुकसान नहीं देने वाली, आप कीजिए इसे प्रैक्टिस, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट जीरोज आर, मिस प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे, टू ऑफ इट जीरोज आर रूट फाइव बाय थ्री एंड माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री। तो ये तो मेरा वही सुपरस्टार क्वेश्चन है जो फोर मार्कर आने की पूरी पूरी हर बार आता है, तो पूरी इसकी संभावनाएं हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, तो ये मेरा स्टार्ट क्वेश्चन हो गया, दिस वन बिकम्स माय स्टार्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, वैसे ही करना है सिंपल, इन दो जीरो से मैं फैक्टर निकाल लूँगा क्या है। तो किससे निकालेंगे आप, मैं अपने फेवरेट मेथड से निकाल रहा हूँ, आप दूसरे से निकालना चाहें आप दूसरे से निकाल सकते हैं, ऊपर हमने देखा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो इन दोनों जीरो से जो पॉलिनोमियल बनता है वो निकाल लेता हूँ, और वो पॉलिनोमियल मेरा क्या बनने वाला है कि इसको मैं अल्फा मान के चल रहा हूँ और इसको मैं बीटा मान के चल रहा हूँ। तो मेरा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स देखो आप दोनों को ऐड करके तो ज़ीरो आ रहा है, राइट। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ज़ीरो आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा माइनस फाइव बाय थ्री आ रहा है, राइट। तो अब मेरा जो वो बनेगा एक्स पॉलिनोमियल क्या बना मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ बना एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट, अब प्लस प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे माइनस ऐसे करके लगा लो, चलो ठीक है जी। तो अब यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री, ठीक है जी। तो इट इज़ अ फैक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, वो के वाली कंडीशन एलसीएम ले लेता हूँ, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज ऑल्सो फैक्टर। अब वन बाय थ्री तो बाहर आ गया, तो इस वन बाय थ्री से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है जब हम इसकी जीरोज निकालते हैं तो ये इक्वल टू जीरो टाइप होता है ना ये, तो जैसे ही ये इक्वल टू जीरो टाइप होता है तो वन बाय थ्री कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज अ फैक्टर। आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इज अ फैक्टर से भी आंसर बिल्कुल ठीक आने वाला है, दोनों से डिवीजन कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं, यह भी आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप देखो थ्री के मल्टीपल है, थ्री से फटाफट यह कट रहा है, तो थ्री ये वाला भी आपका बहुत ईजी डिवीजन देने वाला आपको, तो मैं इससे करूँगा नॉर्मल अपने मैथड से। तो चलिए इससे अब क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज अ फैक्टर आ गया, तो अब ये मेरा जी एक्स आ गया। अब ये एग्जैक्ट फैक्टर है, तो मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देता हूँ किससे, पहले तो मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, अब इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे जीरोज वाले पॉलिनोमियल से, यानी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनने वाला है, पहला तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से ही जाने वाला है, ऑर्डर देखिए ठीक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, थ्री एक्स फोर और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर जो इसके नीचे जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं साथ के साथ ही, पहला कैंसिल आउट हो गया, सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू प्लस फाइव मेरा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव आने वाला है जी, राइट। अब इस किससे जा रहा है, प्लस टू और एक एक्स की कमी है, तो सिक्स एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स किधर आने वाला है, इधर आने वाला है, तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये भी गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इधर से बच गया, इधर से आया ये, ठीक है। तो ये तो सेम ही हो गया, तो प्लस वन से मेरा एग्जैक्टली जाने वाला है, साइन चेंज देखिए बिल्कुल सही आ रहा है,
तो रिमाइंडर जीरो, क्योंकि ये फैक्टर था तो रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो इसका मतलब मेरा ये बिल्कुल सही है। तो इससे क्या बना मेरा, क्या मैं अपनी रिमेनिंग जीरोज निकाल सकता हूँ। और रिमेनिंग जीरोज में कैसे निकालूंगा, मैं इसको स्प्लिट करूंगा। क्यों करूंगा मैं स्प्लिट, क्योंकि जो ये पी एक्स है, ये जो मेरा पी एक्स है, ये मेरा जी एक्स इंटू क्यू एक्स बन जाएगा, राइट, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा जीरो आ रहा है। तो जब मैं डिविजन एल्गोरिदम लगाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा पी एक्स जो है मेरा वो किसके बराबर बनेगा, जी एक्स क्यू एक्स, जी एक्स लिखता हूँ पहले मैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब रिमेनिंग जीरोस तो मेरी इसी से निकल के आने वाली हैं, ये प्लस जीरो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो अब मैं इसको ही स्प्लिट कर दूंगा। तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, स्प्लिट भी करेंगे तो भी यही आएगा। तो जब मैं इसको जीरो डालूंगा तो ये एक्स प्लस वन दो बार ही लिख सकता हूँ मैं, यही होता है होल स्क्वायर का मतलब। तो दोनों से क्या आएगा, इधर से भी एक्स प्लस वन को जब मैं जीरो पुट करूंगा तो एक्स माइनस वन आने वाला है, और इधर से भी इक्वल जीरोज आ गई मेरी, एक्स दो बार मेरा माइनस वन आने वाला है। तो मेरी ऑल द फोर जीरोज क्या होगी, एक तो रूट फाइव बाय थ्री माइनस रूट फाइव बाय थ्री तो पहले वाली होगी, और नए वाली क्या आ गई, माइनस वन एंड माइनस वन, तो मेरी चार जीरोज आ गई इसकी। तो वो हमें वैसे भी उसकी डिग्री देखो आप, पी एक्स की डिग्री से ही पता चल रहा है कि चार जीरोज ही आनी थी। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। क्वेश्चन फोर मेरा कह रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय जी एक्स, तो इस पॉलिनोमियल को अगर मैं जी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोशेंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। तो कोशेंट मेरा ये हो गया और रिमाइंडर मेरा ये हो गया, राइट। तो ऑन डिवाइडिंग दिस, ये मेरा पी एक्स आ गया पूरा, ये मेरा पी एक्स आ गया, तो मुझे जी एक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिविजन एल्गोरिदम लिख देता हूँ, उससे जो मेरा बनेगा वो देख लेते हैं। जी एक्स इंटू क्यू एक्स कोशेंट से मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। अब जी एक्स तो मुझे निकालना है, तो अगर मुझे जी एक्स निकालना है तो मैं पी एक्स में से ट्रांसपोज करता हूँ, तो रिमाइंडर राइट हैंड साइड में नेगेटिव होने चला जाएगा इधर, तो ये मेरा बच जाएगा जी एक्स डॉट क्यू एक्स। अब क्या होगा, अब मुझे क्यू एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले मैं पी एक्स माइनस आर एक्स कर लूँ, फिर उसके बाद क्यू एक्स से डिवाइड कर लेंगे, वैल्यूज डाल देते हैं, क्योंकि अगला स्टेप तो सिर्फ क्यू एक्स से डिवाइड करना रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं, वैसे मैं आपको ट्रांसपोजिंग में बता देता हूँ पहले, फिर उसको कर लेते हैं, डिवाइड बाय क्यू एक्स हो जाएगा ना अभी इधर, तो ये जी एक्स मेरा ऐसे निकल के आएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू में से किसे सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, आर एक्स को, तो रिमाइंडर मेरा क्या है, माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस माइनस माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये तो मेरा पी एक्स माइनस आर एक्स हो गया, राइट, मैं ऊपर वाली चीज। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट खोलते ही, प्लस टू एक्स, और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा फोर का। अब एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर तो एज इट इज दिख रहा है मुझे, तो वो तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, और एक्स प्लस टू एक्स मेरा प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, और टू और माइनस फोर मेरा माइनस टू आ जाएगा, तो ये मेरा पी एक्स माइनस आर एक्स आ गया। अब ये चीज़ तो मेरी आ गई, अब बचा मेरा क्यू एक्स जिससे डिवाइड करना है मुझे, तो डिवीजन किससे करनी है मुझे, अपॉन क्यू एक्स, क्या है मेरा क्यू एक्स, मेरा एक्स माइनस टू है, तो मुझे एक्स माइनस टू से डिवाइड कर देना इस पूरे को, तो वो मेरा जी एक्स निकल के आ जाएगा। तो बस मेरी लॉन्ग डिवीजन ही बची है, तो मैं फटाफट अगर लॉन्ग डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, राइट, एक्स माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर लग रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर तो इसी के नीचे आएगा, यहाँ साइंस चेंज कर देते हैं, कैंसल आउट, माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन बच गया, इधर से कॉपी कर देते हैं बाकी रिमेनिंग को। अब क्या कमी है इसमें और इसमें, माइनस एक्स की, तो
जैसे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अगला प्लस टू एक्स आ जाएगा, जब मैं माइनस टू और एक्स माइनस एक्स को करूंगा, साइंस को चेंज करते हैं, कैंसल आउट, थ्री माइनस टू, तो थ्री माइनस टू इज वन, माइनस टू इधर से आ गया, देखो सेम है, तो प्लस वन से चला गया, साइंस चेंज, पूरा कैंसिल आउट, जीरो, ठीक है जी। तो मेरा क्या आया पूरा निकलने से, क्योंकि सिर्फ डिवाइड करना था, तो ये जो बचा है मेरा, दिस इज माई जी एक्स, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है मेरा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये मेरा जी एक्स आ गया, दिस इज माई आंसर, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा ये, कभी आएगा आया भी नहीं, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स विच सर्टिफाइज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको बताना है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ये सारी चारों चीज़ें ऐसी बतानी है जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करे, और किस चीज़ को पार्ट वन में किसे सेटिस्फाई करे, डिग्री पी एक्स एंड डिग्री क्यू एक्स। तो पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री सेम रहना चाहिए, तो पीछे से आंसर मुझे नहीं लगता किसी का मैच करेगा, तो सब अपनी मर्जी से बना सकते हैं इसे, कि डिग्री किसकी रखनी है सेम, पी एक्स की डिग्री सेम रखनी है किसके साथ, क्यू एक्स के साथ, तो क्यू एक्स तो यहाँ होता है ना, तो इन दोनों की डिग्री मेरी सेम रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अंदर मैं अगर सपोज कुछ थ्री एक्स स्क्वायर जैसा लेता हूँ, तो बाहर भी मेरा एक्स स्क्वायर तो आना ही चाहिए, है ना। तो अगर मैं थ्री से डिवाइड कर दूँ तो थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये ज़ीरो आ जाएगा, तो डिग्री तो मेरी सेम आ गई, तो ठीक है। तो मैंने ये एक ऐसा पॉलिनोमियल ले लिया जिसमें मेरा पी एक्स क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर, ये मेरा पी एक्स हो गया, ये मेरा क्यू एक्स हो गया, ये मेरा जी एक्स हो गया, और ये मेरा आर एक्स हो गया, ठीक है। आया मजा, नहीं आया ना, मुझे भी नहीं आता, कोई बात नहीं, उसने सिर्फ ये कहा है कि आपको ऐसे पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स आर एक्स बताने हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम को तो सेटिस्फाई करें ही करें, मतलब गलत नहीं होनी चाहिए वो, और जिसमें मेन पी एक्स और क्यू एक्स आपका डिग्री सेम है, ये कंडीशन है फर्स्ट पार्ट में, तो वो सब पार्ट में तीनों में सेम डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होना चाहिए, और डिग्री पी एक्स क्यू एक्स आपकी इस फर्स्ट पार्ट में से। तो मैंने पी एक्स क्यू एक्स की ऐसी आइडिया रखने के लिए ले लिया पहले, और फिर मैंने अंदर एक कोई भी ले लिया थ्री एक्स स्क्वायर, तो क्यू एक्स मैंने कहा क्यू मुझे एक्स स्क्वायर तो चाहिए, तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैंने थ्री से डिवाइड कर दिया अकेला, देखो तो मल्टीप्लाई होकर थ्री एक्स स्क्वायर, डन, समझ आ गई बात आपको, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड से आसान मुझे थर्ड लग रहा है, थर्ड को एकदम अगर मैं देखूँ तो थर्ड क्या कह रहा है कि डिग्री आर एक्स की मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि डिग्री आर एक्स की जीरो कब होती है, ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, जब वो एग्जैक्ट फैक्टर हो, तो मैं दोनों को थ्री एक्स स्क्वायर को ही कर देता हूँ, किसे करूँ, थ्री एक्स है, और वैसे तो इसमें भी ये रिपीट कर दो यार, कुछ भी नहीं करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिग्री आर एक्स की जीरो ही तो आ रही है मेरे पास, समझ आ गई बात आपको, डिग्री आर एक्स की देखो जीरो आ रही है, लेकिन इसमें तो कोई भी हो सकती है, पर्टिकुलरली अगर मुझे कोई इसमें रिमाइंडर निकालना है, सपोज मैं इसमें प्लस वन कर दूं, रिमाइंडर मेरा वन आ गया यहाँ पे, बस जी डिग्री जीरो आ गई, खत्म बात, ये कर दो आप, तो आपका पी एक्स क्या हो गया, ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया, ये आपका क्यू एक्स हो गया, और ये आपका आर एक्स हो गया, इसमें आर एक्स की डिग्री कितनी है, ज़ीरो है, तो डन हमारा काम। थर्ड वाला आपको क्या करना है, थर्ड वाले में क्यू एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री और आर एक्स की डिग्री सेम करनी है, अरे भाई, तो ये मैंने कुछ बड़ा ही गंदा सा निकाला एक, देखो आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस टू लेके डिवाइड मैंने एक्स प्लस टू से कर दिया, रट लेना आप ये, तो इसमें क्या आने वाला है, अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब ये तो इससे जा नहीं रहा माइनस, तो साइन तो चेंज करेंगे, यही कटेगा सिर्फ, रिमाइंडर क्या आने वाला है, माइनस टू एक्स, माइनस टू पूरा लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये आपका एक्स है तो पूरा लिखेंगे, अब मैं इसको आगे नहीं ले जाऊँगा, यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम तो इतने में भी सेटिस्फाई हो रहा है, डिवीजन तो हम कर ही रहे हैं,
तो उसने बोला था डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देख सकते हैं आप कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स मेरी दोनों की वन है, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, मुझे उसमें पूरा थोड़ी करना, सॉरी ये जी एक्स है, ये पी एक्स है, ये आपका क्यू एक्स है और ये आपका आर एक्स है, ठीक है जी। तो ये ऐसा है, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, अगर आ गया तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो ये मेरी एक्सरसाइज को फिनिश करती है। चलिए जी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसमें हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सारा सीख लिया और सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी कि ऑर्डर को बहुत ध्यान से लिखना, राइट। थैंक यू सो मच।